सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, और आज का मेरी शुरुआत हो चुकी है दिन की बहुत अच्छे से। 7:30 बज रहे हैं, तो ऊपर फोई एक रूटीन मेरा सेट हो चुका है। ये थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो जाता है, बट ऊपर आके उसको टेरेस पे थोड़ा सा वॉक करा देता हूँ। डॉक्टर ने भी मना करी हुई है कि उसे नीचे लेके नहीं जाना है मैक्स को। पर कल का थोड़ा सा दिन ऐसे निकला था, बहुत हेक्टिक नहीं था, बहुत नॉर्मल डे निकला था, पर अच्छा है। अब एग्ज़ाम आ रहे तो थोड़ा सा तो ऐसे ही जाएगा। मुझे लग रहा है ये 15 डेज मेरे थोड़े से ऐसे ही नॉर्मल जाने वाले हैं, तो उन 15 एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कुछ ना कुछ और थोड़ा सा मस्ती में जाके थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में रहता है कि एग्ज़ाम है तो अभी ये नहीं, एग्ज़ाम है तो अभी वो नहीं, तो ये वाली चीज़ ख़त्म करेंगे ज़रा। हाँ भाई, तुझे मैं ऊपर लेके आता हूँ भाग दौड़ करने के लिए, तो यहाँ आके बैठ गया सीखा। या तो ये वहाँ पे बैठ जाता है, वरना ये कहीं इस कोने में घुसता है, कभी उस कोने में घुसता है, कभी यहाँ पीछे कोने में घुस जाता है। तुझे खुली जगह में रहने में मज़ा क्यों नहीं आता है? क्या चाहिए तुझे? इस कोने में न जाने से कौन सा मज़ा आ रहा है? क्या मज़ा आ रहा है तुझे भाई वहाँ पे? तुझे कितना बुला रहा हूँ तो हट जा। मैक्स नो, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोगों के पास पेट होते हैं, ऐसे होते हैं एक बार में बात मान लेते हैं, लेकिन देख के रखते हो कि हाँ पेट जैसे है। हमारे साथ ही ऐसा होता है, ऐसा है सुनना नहीं, 1% नहीं सुनेगा। कौन हो तुम? कभी कभी तो साला वो मुझे पेट जैसे ट्रीट कर देता है। तू इधर आ भोंक भोंक के, मेरे को जाना पड़ता है, और मैं बुलाता रहूँ तो नहीं आया है। क्यों भाई? कुछ नहीं मिला इसमें घुस गया। सुन यार, एक काम कर, तू सुसु पॉटी कर ले और चल नीचे, बहुत देर हो गई तेरी। चल। सो नहाना इज डन, क्यों और वीडियो लगा लिया है, क्योंकि अगर आपके पास से खुशबू आती रहती है तो फिर एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, और तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से एक सुगंधित रहें। और दूसरी चीज़ ये कि संडे को मैं जल्दी नहाता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा सूर्यदेव को अर्घ्य देना होता है। संडे को मैं थोड़ा सा जल्दी नहा लेता हूँ, मतलब मोस्टली 10 बजे से पहले तक। और अच्छी धूप पड़ रही है भाई साहब, इतनी खतरनाक वाली गर्मी कि आप सोच नहीं। ऐसी गर्मी में कौन जाना चाहेगा भाई बाहर? मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं कैसे भी बाहर जाऊं। आई नो लोग जाते हैं, उनके काम वाम होते हैं, मेरा भी ऐसा कोई काम नहीं है कि मुझे बाहर जाना, ना मुझे कॉलेज जाना है आज, ना मुझे कहीं जाना है। बस अभी चैन से अपना जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है वो करनी है, और बाकी नाश्ता करना है, क्योंकि जब तक ऊपर अर्घा नहीं देके आऊँगा जब तक नाश्ता कर नहीं सकता, और मम्मी का ऊपर से ऑर्डर है हाई कोर्ट से, तो फिर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो बस जाता हूँ फटाफट से, वो काम करके आता हूँ, नाश्ता करता हूँ और थोड़ा सा चिल मारता हूँ। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा गंगा जल, और हम प्रस्थान करते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर बोलते टेरेस, ज़्यादा ऊपर नहीं। भाई कितनी धूप है, गंदी वाली हवा चल रही थी, गर्म गर्म हवा चल रही है। अब मैं 2 मिनट में जल्दी से नीचे जा रहा हूँ, मुझसे वेट नहीं हुआ यहाँ पे। खतरनाक वाली गर्मी थी भाई, मैं जल गया इतनी देर पर, गंदा वाला ऐसा लग रहा है भागूं जल्दी से नीचे। साथ में गर्म हवा चल रही है ना, उसने वो मेरे बाल सूख गए 2 मिनट। ड्राई हो गए, हेयर ड्रायर हो गए अपने आप ही, पैसे बचे भाई इस काम के लिए। लड़कियां आधे आधा घंटा लगाती हैं, मेरा अपने आप नेचुरल गया ऊपर, हेयर ड्रायर कम्प्लीट। इतनी गर्मी थी आपा ऊपर, मेरे बाल हेयर ड्राई हुए अपने आप। दूध वाले को 1-2 लीटर ले लिया था, और 2 लीटर के लिए फिर से बोला था, बट वो कह रहा था अभी दे जाऊंगा, तो उस पर 4 रुपये या 6 रुपये रह गए हैं, उस पर हैं लेने हैं, पर वो दूध लेके नहीं आया तब से, कह रहा था 2 लीटर और दे के आता हूँ आपको। एक्चुअली आजकल पापा और मेरे को रात में मोहब्बत के शरबत की आदत हो गई, तो हमें रात में मोहब्बत चाहिए, उसमें वो जो मोहब्बत का शरबत अच्छा हमने यूट्यूब पर देख लिया है। फिर दूध चला जाता है ना, और फिर थोड़ा सा वो मीठा हो जाता है, तो एनर्जी मिल जाती है रोबज़ा के साथ में भाई। उससे क्या हो रहा है, आजकल हम लोग डेली दूध भी पी रहे हैं, और थोड़ा सा टेस्टी हो जाता है, तो नींद अच्छी आती है। तो कल मोहब्बत का शरबत नहीं मिला तो क्या हुआ, खाली शरबत पी गए।
मोहब्बत जो है हमारी कल खत्म हो गई थी टाइम पर। तो दीदी आज क्या किया आपने रूटीन सुबह से? आपने इतना आलस फैलाया है ना भाई, इतना आलस सुबह से अभी तक। ये कौन सी चाय है आपकी, कौन सी नंबर चाय नंबर? सही से बता रहा, चौथी या पांचवी? तो बट आप अभी तक तो पी लेती हो ना तीन चाय तो। तो आज शाम तक तो हो जाएंगी ना, शाम तक तो पांच हो जाएंगी। ब्लैक कॉफी पीनी चाहिए, डेली डाइट कर रही हो उसकी जगह पे चाय क्यों पीती हो यार? हमारे घर पे डेली हम डाइट करते हैं, डेली डाइट तोड़ते हैं, डेली डाइट करते हैं, डेली डाइट तोड़ते हैं। यार डाइट ब्रेकर। पर एक बात मुझे अच्छी लगी, दीदी ना बिल्कुल पैशन के साथ में जिम जा रही है डेली, इस बात के लिए मैं मतलब प्राउड, दीदी प्राउड है आपका। लोग जाते हैं जिम में तो जो ट्रेनर है उससे थोड़ा सा अच्छे रिलेशन बनाते हैं कि ताकि वो एक्सरसाइज अच्छे से कराए। मेरी दीदी ट्रेनर से पंगे ले आई यार, कह रही उससे नहीं सीखूंगी मैं, उसका जरा मुंह पे बोल दिया भाई मेरे को मत सिखाओ मैं अपने आप कर लूंगी। ये इफेक्ट है भाई, ये थोड़ा सा चीज़ है, हमारे घर की अलग है दूसरों में अलग है। इतना क्रेज कहाँ से आया कि आपने सोचा कि लाओ ट्रेनर से पंगे ले लूँ? कैसे? ज़्यादा उसको भाव दे दिया ट्रेनर, किसी दिन आप उससे सबके सामने मुंह खोल देना अपना। वैसे जैसा आप मुझे तो पता ही, जब आप मुंह खोलती तो क्या होता है, क्या होता है? क्यों आया ही नहीं जिम भी नहीं आया? जिम ही नहीं आया। अरे तेरी सब काली जवान है बिल्कुल है। उससे बोला ही नहीं तो आया था, तो जिम से छोड़ दी, आया ही नहीं वो। ये खतरनाक निकली मैक्स, कैसे स्टे रहेगा ये? लेट्स सी मैक्स, मैक्स स्टे 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 स्टे, ऐसे नहीं करते मैक्स, वेट वेट स्टे मैक्स स्टे स्टे मैक्स स्टे नो स्टे। अरे यार वहीं बीच में अच्छा मेरा स्टे 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 मैक्स स्टे 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 वेट मैक्स ये रहा स्टे स्टे स्टे। यार जंगली कुत्ता है क्या पीछे देख, स्टे 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 है। तेरा चलेगा, पैर पे ही फटका दिया हमने। सोच रहा है क्या कर रहे हैं, ये नहीं बन पाया कुछ भी। क्या हो गया? दिन का सुबह अब उठा हूँ जाके मैं, कब से कभी से 4-4.5 घंटे सोया हूँ भाई, इतना मेरे को नहीं पता है। शायद वो मैक्स मेरे को रात भर परेशान करता है थोड़ा सा, मतलब परेशान क्या करता है, उसकी वजह से मैं जग जाता हूँ, इससे मैं नींद पूरी नहीं हो पाती, तो मैं नींद पूरी कर लेता हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ पनीर लेने के लिए, बस अभी जा रहा हूँ मैं पनीर लेने के लिए, क्योंकि मम्मी ने आलू की सब्जी बनाई थी, मेरे को बिल्कुल मन नहीं है वो खाने का, इधर टिपिकल इंडियन गाय मेरे को मन बिल्कुल नहीं है, तो मैं अभी जा रहा हूँ पनीर लेने के लिए, पनीर का कुछ बनवाता हूँ क्योंकि भूख लग रही है मेरे को, और खाए बिना मैं रह नहीं पाऊँगा, तो इससे अच्छा है कि जाता हूँ पनीर लेके आता हूँ। उसके बाद निकलो तो पता चलता है गर्मी है यार अभी, मतलब कल निकला था अब निकला हूँ तो गर्मी पता चल रही है, बहुत ज़्यादा हीट है बाहर। कहाँ आ रही हो? क्या ही वॉक, उसे वॉक कहती हो आप? टाइम पास कहता हूँ उसे मैं। जी सही से बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है स्विमिंग करने से? इरिटेशन होती है,
वापस गीले होके आने में होता है। मैं आपको बताऊँ, आपको कोई चीज मिल जाती है ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। जब तक ये चीज मिली नहीं थी स्विमिंग पूल वगैरह, तो अरे यार पापा मुझे स्विमिंग करने नहीं जाने देते हो यार, मुझे स्विमिंग करना है, काश मैं भी करूं। मिल गई, 3 दिन स्विमिंग करी, 3 दिन के बाद से यार कौन जाके वहां गीला हो, कौन वहां जाए, कौन ये करे। ये डिजर्व नहीं करते भाई, ये डिजर्व नहीं करते लोगों को ना, वो ही चीज चाहिए, देसी गांव की चीजें गलत मिल गई है ना फैसिलिटी। चल मेरी एक्टिवा तुझे भी देख लो, मुझे इसका लगता है इसमें वो डलाना पड़ेगा पेट्रोल, इतने से मैं लगा रहा हूँ चला रहा हूँ बिना अंदाजे के। ज्यादा गर्म हवा लग रही है यार, रात का टाइम हो गया है, रात में तो कम से कम थोड़ी ठंडक मिल जाए करे। इतनी गर्म हवा मिल रही है मेरे को, मजे से लेटा हुआ था, मेरी अंदर की वो पनीर खाने की वो जाग गई, अब मेरे को जाना पड़ रहा है उसके लिए। तो चेन शांति से मैच देख रहा था, हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहा था, देखता थोड़ा सा मारता कुछ। नॉर्मल लोग होंगे वो राइट चलाएंगे जिन्हें ओवरटेक करना होगा, कुछ नॉर्मल लोग होंगे वो इस वाले लेन में चलाएंगे जिन्हें आराम से चलानी होगी। कुछ प्रो बंदे होते हैं वो इस लाइन को मैच करके चलते हैं, जैसे कि अभी जो मैं चल रहा हूँ ये लाइन नहीं छोड़ूंगा। और कुछ जो अल्ट्रा प्रो लेजेंड लोग होते हैं वो जो इस लाइनों के बीच में जो जगह है ना ऐसे और ऐसे करके निकालते हैं भाई साहब, वो अलग ही बंदे होते हैं, वो स्टड लड़के होते हैं, वो एकदम से फिर गिरते भी इसी तरीके से हैं, तो इनकी लाइन बन जाती है मुँह पे, आप कह सकते हैं वो स्टिचेस लग जाते हैं, वो एक लाइन बन जाती है, फिर उन्हें हमेशा याद रहती है मैंने क्या किया था। मार्केट इतना अच्छा खुल गया है यहाँ पर, बट होप आगे चल के ये भी डेवलप्ड हो जाए, क्योंकि जगह काफ़ी आगे तक बढ़ रहे हैं लोग। अब होप अगर वो प्रोग्राम बन जाता है तो मेरे एग्जाम के बाद, मतलब बनेगा तो एग्जाम के बाद ही, बट अभी से प्लानिंग हो जाएगी ना तो कंफर्म हो जाएगा। तो देखता हूँ मैं पापा से बात करके अभी जाके, क्योंकि पापा के यहाँ होना इज कंपल्सरी यार। मम्मी तो एक बार को हाँ कर देती है, वो समझ जाती है, मैंने देखा है मम्मी इमोशंस को कनेक्ट कर लेती है, लेकिन पापा इमोशंस के साथ कुछ प्रैक्टिकल थाट्स लेके चलते हैं, जो यूजली सबके देखते हैं कि तुम यहाँ गए तो ये हो जाएगा, तुम वहाँ गए तो वो हो जाएगा, तुम्हारे साथ कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसका नंबर, उसका आधार कार्ड नंबर, उसका फ़ोन नंबर सब देख, तब जाके पापा को सेटिस्फेक्शन मिलती, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। तो लेट वो ट्राई करूँगा थोड़ा सा बता के, शायद वो मान जाए, शायद मतलब प्रोग्राम पूरा बताऊँगा। एक्चुअली मेरे ख्याल से मुश्किल ही लग रहा है पापा मानेंगे, कि पापा को लगेगा नहीं अकेले यहाँ नहीं माने, क्या अकेला। भैया 100 रुपये का पनीर कर दो। चुल्ले यार 1 मिनट कली गली थी यहाँ पे, निकालूंगा कैसे अब मैं। अभी हमारे घर में पकवान बन रहे हैं, इंसेंस पकवान ही बोलूँगा मैं। मम्मी ने तो सब्जी बनाई थी बट मैंने खाया नहीं, तो मेरी को मम्मी को थोड़ी सा अपनी माँ धर्म निभाना पड़ रहा है। ना सारे फोन आप मम्मी फोन में बज गए, मैं ज़्यादा देर तो नहीं लगाई ना आने में, क्योंकि वैसे भी दूर पड़ता है यार पनीर लाना, फिर दूध भी लाने गया था। आज हम मैंगो शेक बनाने वाले हैं, कम से कम नहीं तो एक हमने सीजन के स्टार्टिंग में पिया था, और एक अभी हम शायद मेरे ख्याल से तो ये आखिरी मैंगो शेक ही होगा हमारा, क्योंकि तो वो वाले जो आम आते हैं मैंगो शेक के लिए वो अब आने थोड़े कम से हो गए हैं। तो इसलिए मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, पापा ने मैंगो ले लिया था और मैंने जो है दूध ला के रख दिया है, तो मैंने दूध ला के रख दिया है, पापा ने आम ला के रख दिए थे, आज मैंगो शेक बनने वाला, बढ़िया आम रस पियेंगे हम, तो मोहब्बत का शरबत शायद आज हम मोहब्बत का मैंगो शेक पी लेंगे। मोहब्बत होनी चाहिए, हम लोग बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं, तो मोहब्बत में कमी नहीं है कभी भी, मोहब्बत का शरबत हो चाहे मोहब्बत का मैंगो शेक हो चाहे वैसी मोहब्बत हो, मोहब्बत इज कंपलसरी। अब आप अपनी वीडियो देख सकती हो मम्मी, बस मैं मम्मी के पास गया था, मम्मी अपना यूट्यूब कुछ देख रही थी खाना बनाते हुए, तो मैंने कहा जरा इसे बंद करो, जरा पूछ दूँ मैं क्या हुआ मैक्स को, क्या हो गया, अंदर बंद कर दिया किसी ने, बच्चे को बंद कर दिया।